अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा 10th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लाहौर बोर्ड में लॉ के हवाले से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल लगभग हर साल लॉ में आ जाता है। ये लॉ गुलबर्ग और वेग नामी दो केमिस्ट थे जिन्होंने 1869 में दिया था, एडिशन प्रपोज किया था। अब ये लॉ कहता क्या है? इस लॉ के मुताबिक द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट, वो कह रहे हैं जिस रफ्तार से कोई मादा रिएक्ट करता है, जिस रफ्तार से, जिस तेजी से जो मादा रिएक्ट करता है, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इट्स एक्टिव मास। वो उसके एक्टिव मास के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे एक लफ्ज आप पढ़ रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद ये है कि अगर एक मकदार बढ़ेगी उसके नस्बत में दूसरी मकदार भी बढ़ेगी, अगर एक मकदार कम होती है तो उसके नस्बत में दूसरी मकदार भी कम होगी। इसके अपोजिट होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसमें अगर एक मकदार बढ़ती है तो दूसरी मकदार कम होती है, अगर दूसरी बढ़ेगी तो ये वाली कम हो जाएगी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या, अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। और एक्टिव मास से क्या मुराद है? एक्टिव मास और कुछ भी नहीं है, एक्टिव मास दरअसल रिएक्टेंट्स की कंपोजिशन है, रिएक्टेंट्स की मकदार को आप कह सकते हैं। तो वो कह रहे हैं रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। वो कह रहे हैं कि जिस रफ्तार से कोई रिएक्शन चलता है, जिस रफ्तार से जो रिएक्शन होगा वो उसकी रिएक्टेंट्स की मिकदार की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे रिएक्शन भी उतना ज़्यादा फास्ट होगा, जितने कम रिएक्टेंट्स होंगे रिएक्शन भी उतना ज़्यादा स्लो डाउन होता जाएगा। कभी अगर आपने घर में कली की हो तो कली करते वक्त आपने देखा होगा अगर आपने चूना पानी में मिक्स किया है तो अगर आप थोड़ा चूना डालते हैं तो रिएक्शन ज़रा स्लो होता है, उससे बबल्स ज़रा स्लो निकलते हैं, लेकिन जैसे अगर आपने ज़्यादा चूना डाला पानी में तो आप देखेंगे कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होना शुरू हो जाता है और आपको बबल जो पहले मिन्यूट मिन्यूट नज़र आ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो बर्तन से वो बबल्स उछल के बाहर गिरने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी इसकी सिंपल सी मिसाल है कि जिस रफ्तार से रिएक्शन चलता है वो उसकी एक्टिव मास यानी कि रिएक्टेंट्स की कंपोजिशन भी क्या है? एक्टिव प्रोपोर्शनल। रिएक्टेंट्स ज़्यादा है, एक्टिव रिएक्टेंट्स ज़्यादा है, एक्टिव मास ज़्यादा है तो रेट ऑफ एक्शन भी ज़्यादा होगा। अब इसी बात को उसने अगले हिस्से में यूँ बयान कर दिया है द रेट ऑफ रिएक्शन। ये उसने सिंपल जनरल बात की थी, ये और ये बात दोनों सेम है, अलग नहीं है। आप चाहें तो ये याद कर लें, आप चाहें तो ये याद कर लें, बुक में उसने दोनों लिखे हो तो बेहतर है कि दोनों को ही याद करें। The rate of reaction, यानी कि जिस रफ्तार से कोई रिएक्शन होता है, is directly proportional to product of active mass. Product से मुराद क्या है? हासिल-ए-ज़रब, हासिल-ए-ज़रब। वो कह रहे हैं जिस रफ्तार से कोई रिएक्शन होता है वो क्या है? directly proportional है, बराह-ए-रास्त तनासुब रखता है किसके? उसके रिएक्टेंट्स के हासिल-ए-ज़रब से। जितने रिएक्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं तो क्या होगा? रिएक्शन का फ्रैक्शन क्या होगा? ए और बी का क्या होगा? उनकी कंपोजिशन का हासिले ज़रब होगा। अब यहाँ पे एक्टिव मास क्या है? एक्टिव मास क्या है? दरअसल मोलर कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन से मुराद मिकदार और मोलर से मुराद मोल। केमिस्ट्री में आप नाइन क्लास केमिस्ट्री में मोल की तरीके पढ़ते आए हैं तो मोलर कंसंट्रेशन क्या है? मिकदार, मोल्स में मिकदार। और एक स्टैंडर्ड क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि एक डेसीमीटर क्यूब एक डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने मोल्स हैं। मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन है, डेरिवेशन की तरफ हम आ रहे हैं, ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं? सी और डी। और ये रिएक्शन क्या है? रिवर्स। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? ए और बी मिलेंगे और सी और डी बनाएंगे, कुछ वक्त के बाद सी और डी वापस में दोबारा मिलेंगे और बैक रिएक्शन करेंगे, रिवर्स रिएक्शन करेंगे और के और ए और बी बना लेंगे। तो के एफ क्या शो कर रहा है? ए और बी के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहे हैं और सी और डी बना रहे हैं और कुछ लगने बाद सी और डी आपस में मिलते हैं दोबारा और बैक रिएक्शन कर रहे हैं, के एफ शो कर रहे हैं रिवर्स रिएक्शन को, बैक रिएक्शन को और ए और बी बना रहे हैं।
अब इस सेक्शन में क्या है, वो कह रहा है सपोज कर ले ए बी सी और डी क्या है मोलर कंसंट्रेशन है, तो फॉरवर्ड रेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा इस कंडीशन के मुताबिक, के रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट्स, एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये है, तो रिएक्टेंट्स क्या होगा फॉरवर्ड रिएक्शन में ए और बी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिव मासेस के ए और बी के, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। अब हम प्रोपोर्शनल के साइन को जब भी खत्म करते हैं तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट चाहिए होता है, तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट क्या लिया मोलर कंसंट्रेशन का कांस्टेंट क्या लिया के एफ, और तो ये क्या हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स के एफ ए इनटू बी। सिमिलरली रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कौन से होंगे सी और डी, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो क्या सी और डी, तो के सी और डी कांस्टेंट लगाया तो क्या आ गया के आर इक्वल्स टू सी एन डी। अब हमने पढ़ा है कि विनर प्रक्रिया में कैसे स्टेज है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो इसको इसकी जो वैल्यू आई थी डेरिवेशन से इसकी जो वैल्यू आई थी उसको हमने क्या कर दिया इसमें बराबर रख दिया, आगे में बराबर रखने के बाद हमने फॉरवर्ड रिएक्शन को ऊपर रखा उसके कांस्टेंट को और रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट को नीचे ले आए, सिमिलर इस वैल्यू को इसके नीचे ले आए, सिंपल हमने क्या किया है पोजीशंस को चेंज किया है, इसको इसके नीचे लेके आएंगे और डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई है और ये जो मल्टीप्लाई है इसको इधर लेके आएंगे तो ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या बन गया के एफ ओवर के आर, के एफ ओवर के आर किसके इक्वल है के सी, और के सी क्या है आपका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, तो के सी क्या आपका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है और के सी किसके बराबर आया सी और डी। अब जो ये केसी एक्चुअली आपको क्या शो करता है, केसी शो करता है एक रिलेशन को, एक ताल्लुक को, एक रिलेशन जो कि आपके रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान है, रेट ऑफ रिएक्शन और आपके मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स के दरमियान। केसी ने क्या शो किया, केसी ने शो किया कि आपका रिएक्शन किस हद तक तेज है किस हद तक स्लो है, ये कौन आपको बताएगा ये आपको केसी बताएगा, केसी की वैल्यू जितनी बड़ी होगी आपके लिए ये जानना उतना ही आसान रहेगा कि आया के रिएक्शन फास्ट है आया के रिएक्शन स्लो है या रिएक्शन किस तरफ जा सकता है।